Hi guys, my name is Shubhra and welcome to whole new series of offbeat places around Jaipur. इस सीरीज में मैं आपको लेके चलूंगी उन जगहों पे जो तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है जयपुर से. इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा मेनली एक ही रीजन था, जो है टू शो यू अराउंड दोस प्लेसेस जहाँ पे लोकल्स जाते हैं और जो ज्यादा टूरिस्टी भी नहीं है. सो कम अलॉन्ग एंड लेट्स एक्सप्लोर. चलो फाइनली मास्क उतार लिया. सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं कहाँ आई हूँ. डोंट वरी, ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ. मेरे पीछे का नज़ारा कैसा लग रहा है. मैं एक छोटे से वीकेंड हाइक के लिए आई हूँ. मैं ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ, बेसिकली जयपुर में ही हूँ. और ये प्लेस जो मेरे पीछे है इसको कहते हैं सागर. अगर आपने मेरा जयपुर का व्लॉग देखा हो तो उसमें मैं एक जगह गई थी जिसको कहते हैं आमेर फोर्ट. और ये बेसिकली मेरे पीछे का जो एरिया है वो आमेर फोर्ट के पीछे का एरिया है. और ये ऊपर अगर आप देख सकते हो, ये जो दीवार बनी हुई है, ये एक और फोर्ट है जो कि जयगढ़ फोर्ट कहते हैं हम इसे जयपुर में. ये उसका हिस्सा है और ये थोड़ा पानी है. सो ये थोड़ा ऐसा सूदिंग सा जगह है ऐसे शाम को ऐसे सिंपल हाइक के लिए. ये जो एरिया है ये एक्चुअली जयगढ़ ही है. ऊपर जयगढ़ भी एक फोर्ट है जयपुर में. जयगढ़ की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी कैनन है, तोप रखी हुई है. अभी आप सोच रहे हो कि मैं कर क्या रही हूँ. तो इस तालाब का एक चक्कर है वो हम काटेंगे और यही हमारे यहाँ छोटा सा एक हाइक है जो हम करने वाले हैं. और मीनवाइल रास्ते में हमको खूब सारे लोग भी मिलेंगे पिकनिक करते हुए, पार्टी करते हुए, गाने सुनते हुए. लेट्स गो. सो आवर फेवरेट, मेरे प्यारे, हम सबके प्यारे गौरव जी इज बैक. तो गौरव जी हमें लाए हैं सागर में और इस जगह की खास बातें बताएंगे ये. अब राजा महाराजाओं के जमाने में ऊपर किले से यहाँ पे पानी लेने आया जाता था. वो जो रास्ता है जो ऊपर से नीचे आ रहा, वहाँ से ऊपर से हाथी नीचे आते थे और उनके ऊपर जो बड़े बड़े चमड़े के बर्तन हुआ करते थे उनके अंदर वो यहाँ से पानी भर के और ऊपर टैंकों में डाला करते थे. ये पहले इधर वाला पहले भरा करता था. ये बड़ा सागर है और ये छोटा सागर है. पहले वो भरता था, फिर उसके बाद ये भरता था. फिर आगे जब ये फुल हो जाते थे तो इनके नीचे से है ना पानी रिसके और आगे नहर में चलाया करता था. और नहर का क्या नाम है? नहर का कोई नाम नहीं है. तो दोस्तों मेरे फिंगर के पॉइंट पर जो ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये दरवाज़ा, इस पर ना बहुत सारी बॉलीवुड मूवी शूट हुई है. और अमिताभ बच्चन जी की लाल बादशाह मूवी अगर आपने देखी हो तो वो यहीं पे शूट हुई है. और अगर आपने अजनबी मूवी देखी हो तो उसका एक गाना था वो भी यहीं पे शूट हुआ है. सो बेसिकली जयपुर में ना बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं और ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगहों पर ही हुई हैं जो लोग यहाँ पे जनरली भीड़ कम होती है. ऐसी बहुत सारी छतरियाँ आपको राजस्थानी आर्किटेक्चर में मिलेंगी. ये बहुत कॉमन डिज़ाइन है. ये थोड़ा और एक बेहतर व्यू सागर का. ये जो सारी चीज़ें, ये जो नीचे आता है इसको हम, वैसे तो ये दीवार है और ये पूरी ऑल ओवर ऐसे आमेर फोर्ट तक जाती है. और इसी रेंज के अंदर तीन किले बने हुए, जिसमें एक है आमेर फोर्ट, एक है जयगढ़ फोर्ट और एक है नाहरगढ़ फोर्ट. नहीं हो पाएगा मालूम है वो. और कुछ हो जाता है यार. सडनली हम आए थे व्लॉग बनाने और यहाँ पे हो रही है फोटोशूट. ये हमारे सौरभ कुमार जी कैमरा में. ये है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी टुडे. यहाँ का
मौसम आज तो अच्छा हो रहा है, हल्की ठंड है, तो ये बेस्ट सीज़न है राजस्थान आने का। और अभी हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा हवा खा रहे हैं। तो हमारा पूरा एक इस सागर का चक्कर पूरा हो गया है। हम पूरा वहाँ से ये पूरा होते हुए यहाँ से वापस आ गए हैं। छोटा सा हाइक है, कम से कम 15 मिनट का अगर आप जल्दी में हैं तो, नहीं तो ऐसे रुकते रुकते फ़ोटो खिंचा खिंचा के आ ही सकते हैं। गाइस मैं आई हूँ जगत शिरोमणि मंदिर। ये है इसका एंट्री गेट, है ना कितना खूबसूरत। तो ये वर्ल्ड का इकलौता मंदिर है जिसे कृष्ण जी के साथ मीरा है, जनरली कृष्ण जी के मंदिर के साथ राधा होती हैं। तो लेट्स गो, चलिए देखते हैं। सो जैसे कि आपने देखा ये लोकेशंस कितनी सुंदर हैं, और सबसे अच्छी बात इन जगहों में लोग बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड एज आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस ऑन अनदर ऑफ बीट लोकेशंस। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू।